Thumb! Thumb! Fun! Thumb! Nikkei! इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जेल खान आजाद खैबर पख्तूनख्वा उस्मान महसूद का डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेहरा का दौरा। रिडंडेंट नजम हुसैन अब्बासी ने उन्हें जेल में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का मुआयना करवाया। अफसरान और एहलकारान को असनाद और नकद इनाम भी। जेल में नए तामीर शुदा डिस्प्ले सेंटर और प्रोग्राम बराए जहनी और माशी तरक्की सिरा ने मानसेहरा जेल का इफ्तिताह भी किया। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ जेल खान आजाद खैबर पख्तूनख्वा उस्मान महसूद ने डिस्ट्रिक्ट जेल मानसेहरा का दौरा किया। मौके पर जेल पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की, जिसके बाद सुप्रिंटेंडेंट जेल नजम हुसैन अब्बासी और उनकी टीम ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। जेल के अंदर जारी तरक्याती कामों के बारे में आगाह किया, जबकि आईजी जेल खान आजाद ने डिस्ट्रिक्ट जेल में नए तामीर शुदा डिस्प्ले सेंटर और प्रोग्राम बराए जहनी और माशी तरक्की सिरा ने मानसेहरा जेल का इफ्तिताह भी किया, जहां सुप्रिंटेंडेंट नजम हुसैन अब्बासी, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट राशिद खान, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट उस्मान खान, जेल चीफ शौकत खान और दीगर अफसरान ने उन्हें मुख्तलिफ अशिया के बारे में ब्रीफ किया। इसके बाद उस्मान महसूद ने जेल की तमाम बैरक, जुविनाइल और हवातीन सेक्शन, कुक हाउस, अस्पताल, इंडस्ट्री यूनिट और दीगर हिस्सों का तफसीली मुआयना किया। कैदियों से मुलाकात भी की, जबकि इस मौके पर उन्होंने कैदियों के मसाइल दरियाफ्त किए और मौके पर ही मसाइल हल करने की हिदायत जारी। उन्होंने कैदियों को फराम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया और सुप्रिंटेंडेंट जेल और उनकी टीम की काविशों को सराहा। कैदियों को फराम की गई सहूलियात और उनकी इसलाह के लिए जारी अमली इकदामात की तारीफ भी। इस दौरान आईजी उस्मान महसूद ने टोयोटा से पास शुदा 9 असिरान को कंप्यूटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिकल की असनाद भी दी, जबकि 6 जनाना असिरान में ब्यूटिशियन कोर्स की तकमील पर असनाद से भी नवाजा। मौके पर मीडिया से बात करते हुए आईजी जेल खान आजाद ने बताया कि जेलों में कैदियों की बहाली के साथ साथ मुआशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम रवान दवा, जिसके तहत 30% मुनाफा बराए रास्त कैदियों के अकाउंट्स में जमा किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि गवर्नमेंट के इस्लाहाती एजेंडे के तहत होम डिपार्टमेंट में डिस्प्ले सेंटर बना दिया गया है, जिसको मजीद जेलों में तामीर किया जाएगा ताकि बेहतर मार्केटिंग की जा सके। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में जेल इंडस्ट्री में बनने वाली मसनूआत की मार्केटिंग और डायरेक्ट बुकिंग के लिए ऑनलाइन स्टोर और वेबसाइट का क्याम भी अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर एचडीओ के प्रोजेक्ट मैनेजर सदाकत खान और मोहम्मद एहसन ने शिरकत की, जिनके तआवुन से मानसेहरा जेल में पेट्स क्राफ्ट वर्क पर काम शुरू किया गया है, जिसमें 20 कैदी और हवालाती मुख्तलिफ किस्म के तजीनों आराइश के मॉडल बना रहे हैं। इस मौके पर मैनेजर डी वाटसन स्टोर मानसेहरा मोहम्मद एजाज ने बल्ब की खरीदारी के लिए मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी भी की, जबकि इसके साथ साथ आसिम लासानी इलेक्ट्रिक स्टोर, जिसने जेल से 1000 बल्ब खरीद कर कैदियों की फलाह बहबूद में अपना हिस्सा डाला, आज एक बार फिर 1000 बल्ब खरीदने का ऑर्डर बुक करवाया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी और जेल इंतजामिया ने मीडिया टीम, एचडीओ और दीगर शुरका, जिनमें आसिम लासानी इलेक्ट्रिक स्टोर और मैनेजर डी वाटसन का शुक्रिया अदा करते हुए आइंदा भी कैदियों की बहाली के लिए मिलकर काम करने के अजम का इरादा किया। जबकि आखिर में आईजी उस्मान महसूद ने मानसेहरा जेल के स्टाफ में बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाजी असनाद और कैश इनामात से भी उन्हें नवाजा। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पे मैं आया था कि मैं इनॉग्रेट करूँ जो हमने यहाँ पे एक डिस्प्ले सेंटर बनाया हुआ है, जिसके पीछे मकसद ये है कि हम अपने प्रिजन इंडस्ट्री को मार्केट के साथ लिंक करें। वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले में रखी जाती हैं ताकि लोग उसको देखें और जो परचेज़ करें तो वो जो है हम इसको चैनलाइज कर लें टू मार्केट्स। मानसेहरा में आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे बल्ब असेंबलिंग का, यहाँ पे जो है शॉपिंग बैग्स को प्रिंट करने का और बीड्स का काम यहाँ पे आपने देख लिया। साथ साथ में यहाँ पे बड़े अच्छे ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हमारे चल रहे हैं, जिसमें प्लम्बिंग का है और साथ साथ में कंप्यूटर में ग्राफिक्स का है, वो एक यहाँ पे बड़ा अच्छा सिलसिला चला आ रहा है। इस तरह पिशावर जेल में लेदर का है और आर्ट गैलरी हमने बनाई है, चारसदा शूज़ का है, वहाँ पे हमने हैंड लूम्स लगाए हुए हैं जिसमें चारसदा वाला जो कपड़ा है वो बनता है। कंप्यूटर लिटरेसी सेंटर्स हमने वहाँ पे बनाए हुए हैं। हरिपुर में हमारी वुड इंडस्ट्री है और फिश फार्मिंग है, वहाँ पे गमला मेकिंग का और साथ साथ में जो है ना हैंडीक्राफ्ट्स के बहुत सारे हमारे हैं, शूज़ के वहाँ पर भी है। मरदान में हमारी मार्बल इंडस्ट्री है और डिटर्जेंट्स की इंडस्ट्री है, टेलरिंग की है, टेलरिंग हमारी हर जगह पर है। ये एबटाबाद में हमारी जो है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो शॉपिंग बैग्स हैं उसका बड़ा अच्छा हमारा सिलसिला चला आ रहा है।
तो जगह जगह पे हमने ये चीज़ें शुरू की हुई है। हमारा मकसद ये है कि जो हमारा एक लोगों पे आपने देखा होगा कि प्रिजन पे हमारा जो सबसे मेन फोकस है वो करेक्शंस पे है। हम ये समझते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे लोग आए वो यहाँ पे सिर्फ कैद गुजारने ना आए बल्कि उनको हम इम्पोर्टेंट स्किल्स दें कि जब वो यहाँ से निकले तो उनके पास वो स्किल्स हों जिससे वो काम करके तो वो बच्चों को हक हलाल का जो है रिज़्क कमा के दे सके। और दूसरा ये कि मैं बड़े फ़ख्र से कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ केपी ने प्रिजन वेलफेयर फंड रूल्स अप्रूव किए जिसमें फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ, आपने हिस्ट्री में देखा होगा कि कैदी से जो है ना वो उनका उसका कैद ही बामुशक्कत होता था, उनसे मुशक्कत करा के उसको कोई रिवार्ड नहीं मिलता था। गवर्नमेंट ऑफ केपी ने फर्स्ट टाइम ये स्टेप लिया कि जो भी प्रॉफिट आता है प्रिजन इंडस्ट्री में काम से उसका 30% तो डायरेक्टली थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन उस कैदी को जाता है और वो उसके वो कैदी जो है ना अपने घर भेज सकता है ताकि उसके बच्चे जो है ना वो उसको यूटिलाइज कर सके। और जो 60% है वो कैदियों के फलाह बहबूद पे लगता है। हमारे पास जब पुलिस वाले पकड़ के लाते हैं तो कुछ लोगों के पाँव में चप्पल तक नहीं होते, किसी के पास एक जोड़ा होता है, कोई बीमार होते हैं उनको दवाइयाँ और दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो हम सारे पैसे जो है ना वो इनके फलाह पे हम खर्च करते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो गवर्नमेंट ऑफ केपी ने उठाया है कि 30% जो है ना हम इनको नट देते हैं जो वो लेके जाते हैं। तो आप अभी जिस भी जेल में जाएंगे वो आपको जेल का मंजर नहीं देगा, वो आपको मंजर जो पेश करेगा वो एक इंडस्ट्री का एक स्किल सेंटर का देगा जहाँ पे है। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने जो टवटा है उनके साथ इसको रजिस्टर किया। ये जो बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं इनको बाकायदा सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, अभी हमने उनको हैंडओवर किए हैं सर्टिफिकेट्स, और उस पर कोई प्रिजन का उस पर मेंशन नहीं होता कि कल को जो है ना इनको जॉब हंटिंग में कोई जो है उनको मसला हो तो ये जाके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको जॉब्स भी मिल सकता है, तो हम उनका स्टे जो है वो यूजफुल कर सकते हैं। सर, मेरा नाम फरजंद अली शाह है, मैं इलाका तनावल के गाँव पड़ला से ताल्लुक रखता हूँ। मेरे जेल में 8 महीने हो गए, मैं कैस में इधर आया हूँ ना, तो इधर जेल में मैंने आकर देखा है कि पहले लोग बातें करते थे कि जेल में गंदगीर होते हैं, जेल में नशावर होते हैं, लेकिन इधर आके मैंने देखा है कि जेल में बड़ा अच्छा माहौल है। इधर हर काम सिखाते हैं, कंप्यूटर सिखाते हैं, बल्ब, मैंने इधर बल्ब में तकरीबन मेरे 8 महीने हो गए हैं, इधर बल्ब बनाने का मैं काम करता हूँ, कारीगर हो गए हूँ। तो मैं इस पर जेल से बटान नजम बस साहब का शुक्रगुजार हूँ और जेल खाना जात का आई जी साहब को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इधर एक बहुत अच्छा काम सीखने का हमें मौका फ्राहम किया। और मैं इंशाल्लाह बाहर भी जाके अपने इलाके में अपने गांव में इस तरह की एक फैक्ट्री बनाऊंगा और सब लोगों को रोजगार मुहैया करूंगा। सजाद अहमद मेरा नाम है और मानसेरा के इलाका फुल्ला से मेरा ताल्लुक है। मैं एक केस में इधर मानसेरा जेल में पाबंद हूँ। जेल में आने से पहले हमने सुना था कि जेल में जेल का माहौल बड़ा ख़राब होता है। जब हम यहाँ आए तो हमने देखा कि जेल में यहाँ बहुत सारी तलीमी सरगर्मियाँ, खेल कूद और ये बल्ब असम्बलिंग यूनिट और ये और बहुत सारे काम हैं। यहाँ बहुत सारे काम करने का हमें मौका मिला और इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं और हम इस काम के वजह से बाहर जाकर काफ़ी रोज़गार हासिल कर सकते हैं। और हम ये जेल सुपरडेंट और आईजी जेल खाना जात और केपी के हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने यहाँ अवलातियों की सहूलत के लिए, उनके रोज़गार के लिए बहुत सारे ज़राए पैदा किए हैं। मेरा नाम मोहम्मद अवेश तारिक है सर, मैं जिला मनसेरा से के यूनियन को से 42 ताल्लुक रखता हूँ। एक नकर्दा जुर्म में सर जेल में पाबंद हो गए सर। इससे कबल जेल में आने से पहले सर हमने सुना था कि जेल में जो है ना बहुत सारे बकवास साथ होते हैं, जेल का कोई निज़ाम नहीं होता, कोई माहौल नहीं होता। सर यहाँ पे आने के बाद हमें पता चला कि जेल का एक बहुत बेहतरीन माहौल है। सीखने वाले के लिए सर यहाँ पर बहुत कुछ है। इलेक्ट्रीशियन काम सर मैंने यहाँ पर आके सीखा है, उसके बाद प्लम्बरिंग का काम मैंने डिप्लोमा सर पिछले सेमेस्टर में किया है। अभी सर मैं यहाँ पे टेलरिंग का काम सीख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत बेहतर काम सीख लिए। डिस्ट्रिक्ट जेल वालों ने सर मेरे साथ बहुत ताउन किए। जेल इंतज़ामिया का बड़ा मशहूर हूँ और सर पूरे केपी हुकूमत का मशहूर हूँ। जेल इंतज़ामिया पूरी मुकम्मल सब का सर मशहूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम माहिद है और मैं ज़िला मानसेरा के एक इलाके उगी से ताल्लुक रखता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 1 साल के करीब मैं यहाँ आया हूँ। और बाहर दुनिया में तो ये सुना था कि यहाँ जेल में मंशियात फरोश होते हैं, गंदगी होते हैं, ये होता है, वो होता है। नहीं सर, सब झूठ है। मैंने जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सर खाना हमें टाइम पे मिलता है और हमारी एक तरबियत हो रही है सर। यहाँ मैंने अपना नमाज, अपना सबक बेहतर किया है। नमाज में जो गलतियाँ थी वो मैंने बेहतर की हैं और टाइम की कदर करना सीखा है सर। और उसके अलावा यहाँ हमारे लिए अफसरान बाला मानसरा के जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल मानसरा के नजम वासी साहब हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि सर आपने हमारे लिए इतना रोज़गार बनाया। और इसके बाद मैं बाहर जब जाऊँगा और मुझे एक ज़िंदगी गुजारने का एक तरीका समझ में आ गया सर कि ज़िंदगी एक बहुत प्यारी चीज़ है। हमने
यहाँ तक आज तक जो कुछ गुजारा, जो कुछ सीखा और जिन लोगों में हम रहे, कौन ठीक थे कौन गलत थे, मतलब सबकी समझ आ गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह के इसके बाद अगर मैं बाहर जाता हूँ तो उम्मीद है कि इसके आगे में, इसके बाद जो मेरी जिंदगी होगी वो इससे बेहतर होगी इंशाल्लाह।